हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे हैं। तो आज मैं बना रही हूँ रसीले आलू की सब्ज़ी। तो मैंने आलू को उबाल लिया है और साथ में मैंने उनको फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो मेरे फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे मैंने दो प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च काट लिया है और साथ ही साथ आलू भी मेरे फ्राई हो गए हैं। तो अभी मैं उनको निकाल लूँगी। तो अब मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और इसको मैं थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी जब तक ये अच्छी तरह से पक जाएगा। और मैं साथ में ही जो भी मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च काट के रखी हुई है उसको ग्राइंड कर लूँगी। मैं 2 टमाटो को कट करके इसकी प्योरी बना लूँगी और तब तक मेरा ऑयल गरम हो चुका। ऑयल अच्छी तरह से पक गया है तो अब मैं इसमें 1 चुटकी हींग डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा। अब इसको अच्छी तरह से पकने दूंगी थोड़ा सा हिला के। अब इसमें मैं डालूंगी जो मैंने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च ग्राइंड करी हुई है उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जो मेरा मसाला है वो अच्छी तरह से भुन गया है, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। मैं इसमें पहले डाल रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी। इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। आप देख सकते हैं कि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो प्योरी और इसको भी अच्छी तरह से पका लूंगी। जब तक इस पूरे मसाले से ऑयल निकलना स्टार्ट ना हो तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और साथ ही साथ मैं इसमें कुछ और मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने डाली है रेड चिल्ली, लाल मिर्च पाउडर और साथ में डाला है धनिया और जीरा पाउडर। अच्छी तरह से मिला के इनको अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच दही। तो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है तो मैंने इसमें हल्का सा गर्म पानी डाला है और साथ में 1/2 कटा हुआ नींबू की कुछ बूंदें डाली हुई हैं। और इस ग्रेवी को हल्का सा उबाल आने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। अब इनको भी मैं हल्का सा पका लूँगी इसमें और थोड़ा सा ढक्कन लगा के भी इनको पका लूँगी, जिस तरह से ये थोड़ा पक जाए और जो ग्रेवी है वो भी थोड़ा थिक हो जाए। ये हमारी रसीली आलू की सब्जी बनके तैयार है। तो आप सभी इनवाइट हैं हमारी इस शानदार डिनर में, आप भी आ जाएं।